नमस्कार दोस्तों, आपका पाल मिश्री ज्ञान चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नई वीडियो लेकर फिर हम उपस्थित हुए हैं। जैसे कहते हैं कि जीवन में ऐश्वर्य, सुख, पैसा, ये सब कुछ चीजें आपके हाथ में कुछ चिन्ह है, कुछ रेखाएं हैं। अगर ऐसे हैं तो निश्चित है कि आपको अपने लाइफ में नेम फेम भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। कहते हैं ना कि जीवन में सब कुछ लिखा है कि आपको ऐसे होगा और ऐसे करना, लेकिन उस कर्म को हम करके, मेहनत को करके, अपने कार्यों को करके हम उसके भाग में परिवर्तन कर सकते हैं। परमात्मा ने एक निश्चित समय दिया है आपको, हर चीज करने का एक निश्चित समय है। तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि हाथ का कलर अगर आपका पिंक कलर का है, वो राज सुख को दर्शाता है, ऐश्वर्य को दर्शाता है। आपके जीवन में सुख, पैसा, समृद्धि सब कुछ देता है। अगर आपका हाथ काले रंग का है, ऐसे लोग नशे के शिकार होते हैं, नशे का सेवन करते हैं, ये लोग ज्यादा जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और इसी तरह से अगर आपका हाथ पीला है, पीले कलर को हम बीमारी का रूप मानते हैं कि स्वस्थ से शरीर ठीक नहीं होगा। और अगर आपका हाथ लाल कलर का है, और लाल कलर को भी हम बहुत ज्यादा बुरा नहीं कह सकते, जीवन में ऐसे लोग भी तरक्की करते हैं, लेकिन अपने पराक्रम को करके, अपने मेहनत को करके। जैसे कि मैंने हाथ में आज ये चित्र बनाया, ये एक वर्गाकार है। ऐसे लोग जीवन में संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत के दम पे हमेशा आगे की तरफ बढ़ोतरी का, एक शिखर पे पहुंचने का काम करते हैं। और इसी के साथ कुछ रेखाएं हैं या कुछ चिन्ह हैं जो हम आप इस वीडियो के माध्यम से दर्शाएंगे। अगर ऐसे आपके हाथ में यह चिन्ह या रेखा है तो जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ मिलेगा। जैसे कि हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं, ये जीवन रेखा वाली। जीवन रेखा जितनी लंबी होगी और जितनी शुक्र के पर्वत को घेरती है, उतने हमारे जीवन को सौहार्द, सुखमय पूर्ण जीवन को बताती है। और इसी प्रकार से मस्तिष्क रेखा, जैसे कि कहते हैं निम्न मंगल से चलकर उच्च मंगल को जाने वाली रेखा, जितनी बड़ी रेखा उतने अच्छे विचार, उतने अच्छे सोचने की कला ये सिखाती है हमें। और इसी प्रकार से हृदय रेखा, ये हमारी हृदय रेखा है। हृदय रेखा, हम किसी के साथ कितना अटैचमेंट है, हमारा प्यार कैसे है, हम हमारी बोली की जो मिठास है वो कितना है वो बताती है। इसी प्रकार से जब हम चिन्हों की बात करते हैं, जब हाथ में आपके ये उंगलियां का एक घेराव जो बनता है, हमेशा एक इस सिरे में आए, जीवन इंसान में एक सही जगह पे तीर मारने का काम करता है। ऐसे लोगों का हाथ में अगर आप कलर देखेंगे तो ऐसे कलर होगा, और ऐसे उसका एक घेराकार बनेगा। जीवन में हमेशा तरक्की की तरफ बात करेंगे, हमेशा पीछे की बात नहीं करेंगे, निरंतर प्रयास की तरफ बात करेंगे। और इसी की तरफ अगर हाथ में आपका ये बुध का पर्वत है, बुध के पर्वत हस्तरेखा का एक बहुत अच्छा विषय है, बुद्धि को दर्शाती है, आपके आपके बोली बाड़ी, आपके बिजनेस को, आपके संघर्ष को बताती है। अगर ये बुध की फिंगर सन के पहले माउंट से बड़ी हो जाती है, ऐसे लोग बिजनेस के माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, बात करने की कला होती है, बिजनेस करने की कला होती है। और यहां पर ये रेखाएं इस चीज को प्रभावित करती हैं, बढ़ाती हैं, समृद्धि देती हैं, जीवन में सुख का अनुभव कराती है। ऐसे लोग बोलने के एक्सपर्ट कहे जाते हैं। और इसी प्रकार से
जैसे कि हाथ में ये गुरु का फिंगर है, गुरु की रेखा बड़ी हो। हमेशा ऐसे लोग किसी भी संस्थान में हो, आज कहीं भी हो, वो हमेशा नेतृत्व करने की क्षमता होती है, प्रधानता होती है ऐसे लोगों को। और ये गुरु का पर्वत भी अगर बड़ा सा हो, ये ज्ञान का गरा माना जाता है। ऐसे लोग आध्यात्मिक ज्ञान वाले होते हैं, जीवन में हमेशा लोगों की मदद करने वाली बात करते हैं और जीवन में अथॉरिटी पर पहुंचते हैं। और ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर रहते हैं, प्रशासनिक सेवा पाते हैं। और इसी के साथ हमारे जो अंगूठा है, हाथ का अंगूठा हमें व्यक्तित्व के व्यक्तित्व की पहचान बता देता है। ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पीछे की तरफ मुड़ता होना चाहिए। हाथ जितना ही हमारा अंगूठा है पीछे की तरफ मुड़ रहा है, उतना एक दूसरे के साथ हम अटैचमेंट हो सकते हैं। और बिल्कुल सीधा अंगूठा हो, ज्यादा फ्लेक्सिबल ना हो, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा मित्रतापूर्ण स्वभाव को नहीं दर्शाते हैं। उनकी अपनी एक लिमिट होती है, एक लिमिट के आगे वो झुकना नहीं चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होते हैं। अगर इसी अंगूठे के पहले वाले पर्व पर, ये पहला पर्व है जिसको हम ये दीप का चिन्ह बोलते हैं, ये दीप का चिन्ह हाथ भी यहां पे अलग से देखते हैं, ये दीप का चिन्ह। अगर ये दीप का चिन्ह आपका क्लियर है, ये दीप का चिन्ह ऐसे बनता, जैसे ना कहते हैं मछली की आंख, ऐसे लोग अपने सही दिशा में काम करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों की जो सोचने की शक्ति होती है बड़ी जबरदस्त होती है, ज्ञान इनका जबरदस्त होता है, सिक्स सेंस पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। ये दूर की बातें करते हैं, बुद्ध आई से ना लंबी दूरी की बात करेगा, दूर की दृष्टि की बात करेगा। और ऐसे लोगों की समझने की बोलने की कला बहुत जबरदस्त होती है, जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त करते हैं ऐसे लोगों के। अगर आपके हाथ में ऐसा चिन्ह है तो ये काफी सुख समृद्धि और विकास की बातें करेंगे। ऐसे लोग जीवन में नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञान रखने वाले होते हैं। और ये सूरज का माउंट है, ये सूरज का माउंट है, और सूरज के माउंट के साथ ये सूरज की रेखा, इसको हम ज्ञान की रेखा कहते हैं। सूर्य की रेखा यहां पे निकलती है, ये ज्ञान की रेखा है। ऐसे लोगों का ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, विद्या रेखा जिसको कहते हैं, निपुण होते हैं, बोलने में कला में माहिर होते हैं, बात को एक्सप्लेन करने में। ऐसे लोगों का जो माइंड होता है काफी तेज होता है और लोगों को एडवाइस करने का काम करते हैं। और इसी के साथ जो आपको सुख समृद्धि भाग्य के ऊपर तय करती है, ये हमारा चंद्र का क्षेत्र है। कहते हैं जीवन में तरक्कियां मिलेगी अगर आपका भाग्य का जो करियर का निर्धारण करता है वो ये चंद्र का पर्वत है, ये चंद्र का पर्वत है। चंद्र का पर्वत ये दूर विदेश दूरगामी यात्रा की बात करता है, मन की स्थिरता की बात करता है। और कई बार मन चंचलता की बात करता है। ऐसे लोग जब भी विकास करते हैं, अगर यहां से भाग रेखा गुरु की पर्वत की तरफ चला जाए, ये भाग रेखा जो है कहीं से भी निकले लेकिन लंबी और सफल भाग रेखा हमेशा जीवन की ऊंचाइयों को ही दर्शाती है। ऐसे लोग अपने घर से दूर विकास अवश्य करते हैं और अच्छा जीवन में नाम और यश की प्राप्ति कराते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का जो योग बनता है गज केसरी योग के नाम से प्रसिद्ध योग माना जाता है। पैसे की कभी कमी नहीं होती है, ऐश्वर्य सुख संपत्ति सब कुछ यहां पे मिलता है, बशर्ते इनकी ये रेखाएं कटी ना हो, ये रखी कटी ना हो, भाग्य में रुकावट का होने का अंदेशा देती है। और जीवन में तरक्कियां ऐसे लोगों को निश्चित मिलती है। और ये राहु का क्षेत्र है,
राहु कहीं भी हो हस्त रेखा में, इसका एक नियम है, अगर ये राहु के पर्वत के ऊपर यहां पे स्टार बन जाए, ये स्टार बन जाए, कहते ना अचानक से धन देने की बात करता है तो राहु देता है। कई लोगों को आपने देखा होगा, आज एक टिकट लेके आते हैं, अगले दिन उस टिकट का नंबर लॉटरी लग जाती है, रातों रात अमीर बन जाते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में आप अगर देखेंगे तो पाएंगे तो ऐसा चिन्ह अवश्य मिलेगा आपको, क्योंकि राहु जितना देता है उतना लेने की भी कोशिश करता है। और ऐसे लोगों को राजनीतिक के क्षेत्र में और विदेश की यात्राएं अवश्य करवाता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।